वो तो एक अज्ञेय की योजना थी और जैसा आप साहब जानते हैं तार सप्तक से एक प्रकार से नई कविता के आंदोलन की हिंदी में शुरुआत होती है, उसमें और भी उनके साथ कई लोग थे, अज्ञेय संपादक थे उसके, तो एक जाहिर है कि उनका महत्व ज्यादा था, लेकिन मुक्तिबोध भी उसी में थे, गिरजा कुमार माथुर भी उसी में थे, नेमीचंद जैन भी उसी में थे। फिर दूसरा सप्तक निकाला उन्होंने जिसमें रघुवीर साय, शमशेर बहादुर सिंह, रणवीर भारती भी सब लोग थे। फिर तीसरा सप्तक निकाला उसमें केदारनाथ सिंह, कौन नारायण, विजय देव नारायण शाही ये सब लोग। उसके काफी अरसे बाद में उनको लगा कि इन दिनों में जो लोग लिख रहे हैं, मतलब तो जो कविताएं उनको अच्छी लगती हैं, जो कवि उनको अच्छे लगते हैं, जो नए हैं बिल्कुल, उस समय हमने शुरू ही किया था लिखना, कोई पुस्तक वगैरह हमारी नहीं निकली थी, संग्रह भी नहीं निकला था, तो उनकी एक योजना बनी कि ऐसे ही लोगों को मिला करके फिर एक चौथा सप्तक निकाला जाए। तो ये 77 की बात है, उस समय उनके साथ में वो नवा टाइम्स के संपादक हुआ करते थे जमाने, और समय योजना बनी उनकी, तो उसमें से एक मैं भी हूँ, और भी कई मित्र हैं उसके अंदर, श्रीराम वर्मा उसमें थे, अवधेश कुमार उसमें थे, क्या नाम उनका, सुमन राजे उसमें थी, स्वदेश भारती उसमें थे, कुंभज उसमें थे, तो और भी लोग थे उसके अंदर, लेकिन मैं भी एक उसमें था। और उसमें से कुछ लोग नहीं, मतलब नहीं रहे, अवधेश कुमार वगैरह नहीं रहे, अच्छी कविता लिखते थे, श्री राम वर्मा भी अब नहीं रहे, और हम लोग लिख रहे हैं। तो अब उसे लेके काफ़ी समय चला भी कि अब नहीं निकालना चाहिए था अज्ञेय जी को, क्योंकि वो काम पूरा हो चुका था तीसरे सप्तक, अब वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, लेकिन वो उनका मन था। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा था कि उन्होंने मुझे, मेरी कविताओं को इतना पसंद किया और अपने द्वारा संपादित संकलन में उनको स्थान दिया, तो मेरे लिए तो एक अच्छी चीज़ थी।